For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello everyone. Okay, so let's start with the introduction part. Okay, let's start with you, girl. Yes. Disha Gupta, you know my name? Yes, I am Disha Sharma. Okay, what else? What do you do? Saath mein abhi kya kar rahe ho? CS plus BCom. BCom which year? First year, abhi lena admission. That's great. Result aa gaya? Sabka aa gaya? Acha raha? That's great. Abhi theek hai, abhi nahi poochti main aapke numbers. Theek hai. CS mein aane chahiye number. Theek hai? तो दिशा आप बीकॉम कर रहे हैं प्लस सीएस में एडमिशन आपने लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, दैट्स ग्रेट. और किसने बोला आपको सीएस करने के लिए? टीचर्स ने. ठीक है, सीए क्यों नहीं, सीएस क्यों? मैं पर्सनली पूछ रही हूँ ये रीजन. मैं सीएस हूँ, मैं आपको अपना भी रीजन बताऊंगी व्हाई नॉट सीए. बोलिए. प्रैक्टिकल, ग्रेट आंसर. और सीएस में क्या रहता है? लॉ. तो आपका थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग है. ठीक है, मेरा भी पर्सनली ऐसा ही था एंड आई थिंक आपका भी ऐसा ही है. ओके, आप बताइए आपका क्या नाम है? भूमिका. भूमिका आप क्या कर रहे हैं साथ में? बीकॉम विच योर फर्स्ट ईयर लेना है. आई थिंक सब आप लोग 12th पास आउट ही हैं. भूमिका, दिशा, मनीक एंड ज्योति पांडे, आप दोनों भी मुझे बताइए सीएस कैसे सोचा आपने? आपने देखे हैं इसके सब्जेक्ट्स? अच्छे लग रहे हैं? कुछ कर पाएंगे? सीए के भी देखे थे? ठीक है, सो आई थिंक यू आर डूइंग द बेस्ट कोर्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मनीक आप भी बताइए इनको कि आपने क्यों सोचा कि आपको सीएस करनी है. यस, कंपनी लॉज में सीएस का मेन कोर एरिया कंपनी लॉ होता है. ठीक है, बहुत सारी चीजें आई एम गोना टेल यू धीरे धीरे. हाँ जी, लेट्स कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. यस, यू आर डूइंग सीएस प्लस बीकॉम. ठीक है, वी हैव वन मोर स्टूडेंट. आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट टॉक टू यू. यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई थिंक वी हैव अनमोल विद मी. ठीक है, so welcome to my class. I'll give you my introduction first. I am CS Disha Sharma and I'm going to be your faculty for business laws, economics and many more subjects in CSEET. okay, you will come to know many things about me jaise jaise hamara session start ho jayega. I'm going to be motivating you every time. theek hai, 12th mein theek hai jaise bhi aapke number aaye hain, hum log CS kar rahe hain plus BCom bhi kar rahe hain. main bhi is daur se nikli hu. ठीक है, जब एग्जाम्स का प्रेशर होता है, दो दो दिन एग्जाम्स होते हैं. बीकॉम का भी एग्जाम था, सीएस का भी एग्जाम था, वो प्रेशर कैसे लेना है? एवरीथिंग, हर चीज हम सॉर्ट करेंगे अपनी लाइफ में और इस कोर्स को बहुत ही इजी बना देंगे. ठीक है, ठीक है. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और बहुत सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन हो गया है. हमारी इंटरक्शन काफी चलती रहेगी क्लास में. स्टार्ट करें तो आज जो अभी फर्स्ट सेशन में आपका ले रही हूं, दैट्स बिजनेस कम्युनिकेशन. आर यू गाइज अवेयर कि सीएसईईटी में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? यस, यू ऑल आर राइट, वी हैव टोटल 4 सब्जेक्ट्स. अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक जब तक भी आप एग्जाम्स देते हुए आए हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता था प्लस कुछ प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हमारे याद हो जाते थे. बट सीएसईईटी जो आपका एंट्रेंस है, क्या कोई मुझे बताएगा सीएसईईटी की फुल फॉर्म क्या है? वेरी नाइस, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. ये हर एक को देना पड़ता है अगर आपको सीएस करनी है. आप कुछ भी हो, आप बीकॉम भी कर लिए हो अगर आपने, तब भी ये एंट्रेंस टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा. अब जब आप सीएस कर रहे हैं ना, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज हमें होनी चाहिए, थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है अभी रिसेंटली आया है, पहले फाउंडेशन होता था इसका नाम. पहले भी 4 पेपर थे, 100 नंबर के पेपर होते थे, बट थोड़ा सा चेंजेस आए हैं लास्ट 2 इयर्स से. आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन पहला सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का है. पेपर नंबर 2 लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. ऐसे लग रहा है 2 सब्जेक्ट्स हैं,
दो सब्जेक्ट्स को क्लब करके एक सब्जेक्ट बनाया है, 50 मार्क्स का ही है, दोनों इसके अंदर 25-25 मार्क्स कैरी करते हैं। पेपर नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी 50 मार्क्स का पेपर है, 25 में ईच को डिवाइड किया गया है। एंड लास्ट करंट अफेयर्स, किन किन को लगता है आप लोगों के करंट अफेयर्स बहुत ही परफेक्ट हैं? न्यूज देखते हैं आप लोग? नहीं देखते, अभी देखना शुरू करना पड़ेगा। न्यूज रीड करते हैं आप लोग? किस किस के फोन में न्यूज वाली ऐप है कोई भी? कौन सी ऐप यूज करते हैं आप? ओके, इन शॉर्ट्स, मैं भी इन शॉर्ट्स यूज करती हूँ। आप लोग न्यूज देखना शुरू करेंगे अब, ठीक है? न्यूज पेपर भी रीड करना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, चाहे दिन का 10 मिनट्स आप स्पेयर कीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वो आपके ऊपर है, बट न्यूज पेपर मस्ट है, नेसेसरी है हमारे लिए अब, अगर आपको करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है? उसको भी हम इजी बना देंगे, चीजों को कैसे याद करना है, कि करंट टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये भी हम कवर करेंगे अपने सब्जेक्ट में, प्लस जो मॉड्यूल में आपका सिलेबस गिवन है वो भी कवर करेंगे। ओके, बाकी सब सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल में बात मैं तब करूंगी जब वो पढ़ाना शुरू करूंगी। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या आपने सोचा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा CSEET का पेपर नंबर 1 क्यों सेट किया गया है, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं, और ये सब्जेक्ट डाला क्यों गया है? कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं ना हम लोग, अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। दो लोग जब बात करते हैं, अपने आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स, व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं, उनको हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो सपोज हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे कस्टमर्स हैं और मैं एक कंपनी हूं, आई एम सेलिंग यू सम गुड्स और मे बी आई एम गिविंग यू सम सर्विसेज, तो ये कम्युनिकेशन क्या कन्वर्ट हो जाती, किसमें कन्वर्ट हो जाती? बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट? अभी तो मैंने बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज में आपको ओवरव्यू दिया है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम तब करेंगे जब इसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम ही है बिजनेस कम्युनिकेशन, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले CSEET के बारे में मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताना चाहती हूँ। तो कैन वी स्टार्ट नाउ? आर यू गाइज रेडी? ओके, सो CSEET, विच इज, क्या फुल फॉर्म बोली हमने? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। वेरी गुड, मुझे ये बहुत पसंद है अपनी क्लास में जब बच्चे साथ में इंटरैक्ट करते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा और मेरा भी। ओके, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है गाइज, मैंने आपको बोला टोटल कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। सो ये सब्जेक्ट हमारा टोटल 50 मार्क्स कवर करता है। अब 50 मार्क्स तो ये कवर कर रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं इसमें? 35। कितने क्वेश्चंस हैं? 35। अब ये डिवाइड कैसे किया गया है? ओके, जो टोटल 15 एमसीक्यूज हैं वो मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के, और रिमेनिंग कितने क्वेश्चंस बचे? टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, 15 हो गए और 21 मार्क, ठीक है? इस तरह से आपका पेपर होने वाला है। एक बहुत अच्छी चीज इसमें यह है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर अगर इन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में रखा होता तो आपके लिए थोड़ा सा इश्यू होता, बट CSEET चारों के चारों सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं इतने अच्छे से, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, विच इज क्वाइट ईजी। यू नो, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से एक हमें करेक्ट चूज करना है, बट थोड़ा सा टफ भी होने वाला है। कैसे? वो जो 4 ऑप्शंस हैं वो इतने क्लोज सिमिलर होते हैं, इतने क्लोज आंसर्स लग रहे हैं, तो हमें लगता है आंसर नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। तो यही हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगी। हर सब्जेक्ट में जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर मेरा कंप्लीट होता जाएगा, उसके बाद हम इसके टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे। कुछ कुछ टाइम के बाद मे बी हर वीक मैं आपको हर चैप्टर के असाइनमेंट्स देती रहूंगी, तो इससे हमारी प्रैक्टिस डे 1 से ही होती जाएंगी, ठीक है? जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, आई एम गोना गिव यू सम असाइनमेंट्स, वो आपको नेक्स्ट डे और मे बी आई विल गिव यू 2 डेज टाइम, उसको आपको कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना होगा, ठीक है? चलिए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात कर ली, टोटल मार्क्स की बात कर ली, आगे चलेंगे। यस, थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं
ये एप्लीकेबल होगा चारों सब्जेक्ट्स पे भी और बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पे भी, ये जो तीन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इन CSEET एग्जाम। हमें MCQs के पेपर सॉल्व करने हैं, अगर एक ऑप्शन हम गलत भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। इससे पता है क्या पता चल रहा है, इससे क्या कंक्लूड किया मैंने कि मुझे एक भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना, क्योंकि मुझे नहीं डर लगेगा कि कोई भी आंसर मेरा गलत हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो नो नेगेटिव मार्किंग, 1 out of 4 आंसर्स वुड बी करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम विल बी कंडक्टेड क्वार्टरली। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने आपके लिए डाला है। अदरवाइज क्या होता है, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हम देते हैं, मे इट बी CA, मे इट बी CMA, और आगे चल के मैं CS की भी अगर बात करूं, साल में 2 बार पेपर होते हैं, जून जुलाई एंड नवंबर दिसंबर। जून जुलाई मैंने क्यों बोला, क्योंकि CA के जून में होते हैं और CS के जुलाई में होते हैं, सेम आगे के मंथ्स में भी ऐसे फॉलो होता है। लेकिन CSEET जो आपका एंट्रेंस है, आप साल में 4 बार दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार अगर फेल हो गए तो दूसरा दे देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम एक ही बार में इसको क्रैक करेंगे और फटाफट से एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट अच्छा है आपके लिए, अभी आप सब जो है नवंबर अटेम्प्ट किए हैं, राइट, ग्रेट। अभी देखते हैं इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। 40% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए हर सब्जेक्ट में, और सारे सब्जेक्ट्स का टोटल अगर हम देखें, टोटल कितने का हुआ गाइस, 4 सब्जेक्ट हैं 50 मार्क्स के, मींस 200 मार्क्स का मेरा पेपर आने वाला है, एक ही दिन में होने वाला है, रिमोट एग्जाम्स होने वाले हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ रिमोट एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड, और आपको किसी सेंटर में भी नहीं जाना है। अभी तक कोरोना के बाद जितने भी एग्जाम्स इसके चल रहे हैं वो आपको घर बैठ के ही देने हैं, ऑन योर लैपटॉप। यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर लैपटॉप्स विद यू, राइट, ओके। हर सब्जेक्ट में 50 में से आपको 40% मार्क्स चाहिए, प्लस टोटल अगर हम देखें 200 में से एटलीस्ट 100 मार्क्स, यानी कि 50% चाहिए ना, तो 200 का 50% इज 100 मार्क्स आपको सारे पेपर का मिला के बनना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया, ठीक है, ओके। बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। इंडिविजुअल चैप्टर्स की मैं अभी आज बात नहीं करने वाली, दैट विल बी अ लेंथी क्लास। तो मैं जो पर्सनली मुझे डिविजन बहुत अच्छा लगता है, मैं उसी की बात करूंगी, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। देखिए, मैं आपको ना, आप CS बनने वाले हैं, यू आर गोना बी आर फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी लाइक मी, तो आपको CS क्या करता है और CS क्यों बनते हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। CS काम कैसे करता है, CS कैसे इंटरैक्ट करता है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस, अभी मैं ये 4-5 की बात ना करके मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आप लोगों को क्या पता है CS के बारे में, क्या करते हैं CS, ठीक है। आपका नेम ज्योति ने मुझे बोला है, कंपनी रजिस्टर करते हैं। अनमोल, यू आर सेइंग माइक शो नहीं हो रहा है, आर यू गेटिंग माई वॉइस, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल टू यू, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अनमोल आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओके। व्हाट्स योर नेम बच्चा? ज्योति। ज्योति ने मुझे बोला कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कंपनी को रजिस्टर करने का काम, यानी कि इनकॉर्पोरेट करने का काम, सारा पेपर वर्क कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट्स योर नेम? अभी अभी, और आपको क्या लगता है कंपनी सेक्रेटरी और क्या करता होगा? वेरी गुड, कॉर्पोरेट लॉज, कंपनी लॉ जो होता है वो आपको पी जाना है, एज इन वो आपका कोर एरिया होने वाला है। अभी तो आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक चैप्टर है आपका लीगल एप्टीट्यूड का, सिर्फ एक ही चैप्टर है कंपनी लॉ का, बाकी और अभी आपने नहीं पढ़ना। जब आप जाओगे एग्जीक्यूटिव लेवल में, पूरा फुल फ्लेज सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, ठीक है, वहां से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज योर एंट्रेंस टेस्ट, ओके। आपको क्या लगता है कंपनी सेक्रेटरी और क्या करता होगा? कंपनी के लॉज पता होने चाहिए उसको, मींस कंपनी लॉ उसको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर उसको खुद से नहीं आता है कंपनी लॉ,
तो जिस कंपनी में वो एज सीएस अपॉइंट हुआ है तो उस कंपनी को वो लॉज कैसे फॉलो करवाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है। अच्छे पॉइंट्स बताए आपने मुझे। अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है तो उसको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। एम आई राइट? यस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एक बार अगर हम किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए तो आपको आपका जो मेंबरशिप नंबर है वो उस कंपनी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और उस कंपनी के सारे साइनिंग वर्क, जितने भी चीजें रजिस्टर करनी होती है, स्टैम्प्स लगानी होती है एंड एवरीथिंग, वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। देखो कंपनी सेक्रेटरी के अभी बहुत सारे रोल्स होते हैं, मल्टीपल रोल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज में ये अपने आप को इंडल्ज करके रखता है, बट मैं अभी आपका जो से बेसिक लेवल में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। देखिए कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग सुनी है आपने? आप लोगों ने थोड़ा सा अभी 11th-12th क्लास में पढ़ा भी होगा। एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? कंपनी सेक्रेटरी। कंडक्ट मतलब अरेंज करवाना। जो भी मीटिंग में आएगा इनको इनविटेशंस भेजना कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। हमारी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम कैसे करना है, उनको सजेस्ट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। अब मीटिंग कर ली हमने, चाहे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाई चाहे एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई, उस मीटिंग के बाद मिनट्स बनाना किसका काम होता है? कंपनी सेक्रेटरी का। सब आप ही के काम है। यू आर एंड यू विल बी फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं आपको आपके काम बता रही हूं। ओके देखिए मिनट्स बनाना, आपको सुना है ये वर्ड आपने कभी? आई थिंक दिस विल बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, मिनट्स। मीटिंग में किसने क्या बोला, हर चीज का रिकॉर्ड मेकिंग को आप क्या बोलते हो? मिनट्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 5 से 6 लोग यहाँ पे हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना होता है। कोई चीज के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, मैं भी अग्री कर जाऊंगी, आप भी अग्री कर जाएंगे, मीटिंग खत्म। तो मीटिंग का मेन एजेंडा था वो कर लिया, डिस्कशन करके वोटिंग करके एक डिसीजन पे हम लोग पहुंच गए। अब मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग के बाद हमें कैसे याद रहेगा कि इस मीटिंग में किसने क्या बोला और क्या डिसीजन लिया हमने? तो ये काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का, मीटिंग के बाद मिनट्स बनाना, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लिख लेना प्रॉपरली। दैट्स व्हाट यू कॉल मेकिंग मिनट्स। ये भी काम हमारे कंपनी सेक्रेटरी का है। मैं आज बिल्कुल बेसिक काम आपको बता रही हूं, जो काम आप अभी के लेवल में समझ पाएंगे। एनुअल फाइलिंग करना कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। देखिए एनुअल फाइलिंग सुना है आपने कभी? यस। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सुने हैं आपने, फाइनल अकाउंट्स बनाए भी हैं। कंपनी में फाइनल अकाउंट्स जब बनते हैं तो वो आरओसी में सबमिट होते हैं। उनको कौन कराता है आरओसी में सबमिट? कंपनी सेक्रेटरी। उसके लिए पेपर वर्क होते हैं, कुछ फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं हमें, और ये सब काम भी कंपनी सेक्रेटरी का है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और एक बार वो अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं फिर वो ऑडिटर्स के पास जाते हैं, ऑडिटर्स उनको ऑडिट कर देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, और जब शेयर होल्डर्स ने, यानी कि जो आपके कंपनी के ओनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिए, फिर वो अकाउंट्स कंपनी सेक्रेटरी आरओसी में फाइल कर देता है। आई एम श्योर ये जो पूरी कहानी मैंने अभी आपको बताई ये बहुत आपको डिफिकल्ट लगी होगी अभी, ठीक है? ये मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा रही हूं कि सीएस के कोर्स में आप इन चीजों के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ योर जर्नी कि आपको क्या क्या चीजें आगे पढ़नी होंगी। चलिए सीएस के बारे में हमने काफी डिस्कस किया, अभी लेट्स कम बैक टू द बिजनेस कम्युनिकेशन, आर मेन सब्जेक्ट, पेपर नंबर 1। ये जो पेपर नंबर 1 है, मैंने आपको बोला टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब 8 चैप्टर्स को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये आपको ICSI ने नहीं करके दिया, बट हमने सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए, मैंने बेसिकली आपके लिए ऐसा कर दिया, ठीक है? बेटा पार्ट ए में क्या लिखा है? एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इंग्लिश से डर लगता है बड़ा,
कहते थे कि हम तो अभी 12th क्लास तक ही बड़ी मुश्किल से इंग्लिश पढ़ के आए हैं, ये फिर से एक नया सब्जेक्ट डाल दिया। बट इंग्लिश आपका कोर एरिया होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको हमेशा हर एक से ही इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। वी लिव इन इंडिया, बहुत सारे लोग, इवन बहुत बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो भी ज्यादातर मोस्टली इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपको पर्सन टू पर्सन आपको बात करनी पड़ती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन बैठा है, मे बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मे बी द CFO, मे बी द CEO ऑफ द कंपनी, अगर वो आपसे इंग्लिश में कन्वर्स कर रहा है एंड योर रिप्लाईज आर कमिंग इन हिंदी, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपका इस CS कोर्स का फर्स्ट सब्जेक्ट है, पहले 3 चैप्टर्स किसके डाले हैं? इंग्लिश के। इंग्लिश तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। बोलो मैम हम तो 6 क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमने ग्रामर पढ़ ली, हमने आर्टिकल्स, मैसेजेस कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, हमने सब कर लिया। बेटा ऐसा नहीं है ना कि हमें याद है अभी तक, चीजें ब्रश अप करनी पड़ती हैं, वी नीड टू रिवाइज। तो पहले 3 चैप्टर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में जो ग्रामर आपने पढ़ी थी थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, और उसको ईजी बना के कैसे पढ़ेंगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो पहले 3 चैप्टर्स में हम इंग्लिश यानी कि एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए खत्म हो गया, यानी कि हम इंग्लिश में स्ट्रांग हो गए। एक बार इंग्लिश आ गई तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी, यू नो दैट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, एंड आई विल मेक श्योर कि ये चीज होगी। आपको उठना कैसे, आपको बोलना कैसे, एवरीथिंग, हर चीज का मैं ध्यान रखने वाली हूँ। इनफैक्ट जब हमारी रिविजन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको बोला कि फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करके आना है और हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो आप में से कोई यहाँ पे आएगा, जस्ट फॉर 5 मिनट्स यू हैव टू स्पीक अप, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस रेज हो जाए। 5 लोगों के सामने ही, इनफैक्ट आप 1 लोग के सामने भी अगर कुछ अपने व्यूज बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ आ गया, अभी यहाँ नहीं गया, यहाँ पर लेकर जाना भी नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, राइट? यहाँ पर आ गया ना अगर, तब आप देखेंगे आप में चेंजेस आ रहे हैं। आप चाहे मेरे सामने बात कर रहे हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के सामने, चाहे अपनी फैमिली के सामने, आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर दिखेंगे अगर आप थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, पार्ट ए में एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश तो सीख ली, यानी कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। चलते हैं पार्ट बी में। वो कहते हैं इंग्लिश सीख ली, अब इंग्लिश में और चीजें भी आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। बेसिकली इस सब्जेक्ट को ना मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, मोस्टली सारे चैप्टर्स तो इंग्लिश के ही हैं, प्लस कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट भी है यहाँ पे। ओके तो पार्ट बी में आप सीखने वाले हो बिजनेस कम्युनिकेशन। इंग्लिश तो सीख ली, बट इंग्लिश में बात भी तो करनी आनी चाहिए, तो हम बिजनेस के लोगों के साथ बात कैसे करते हैं ये आपको पार्ट बी में समझ में आ जाएगा। आपको पता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में कि गुड लिसनर कैसे होते हैं। जब तक आपने सुना नहीं तब तक आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक आपने रिएक्ट नहीं किया तब तक आपके सारे काम अधूरे हैं। एम आई राइट? ओके, डिटेल में तो मैं अभी आऊंगी, पार्ट ए में और डिटेल्स क्या है वो अभी थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। लेट्स कम टू द पार्ट सी नाउ, which is correspondence. Have you heard this word before? Correspondence. Letters भेजे हैं आपने कभी किसी को? आपके घर में किसी ने लेटर भेजा है? आपके मम्मी, अब चलो आप लोगों के टाइम पे तो लेटर्स नहीं चलते हैं अभी। When I was small, when I was a kid, so my mother used to send letters to her brother on Rakhi. अभी वो भी खत्म हो गया बिल्कुल। अभी तो व्हाट्सएप चलते हैं, मैसेजेस चलते हैं, एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, सब कुछ। सो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है बेटा, जब आप ईमेल्स लिखते हो, जब आप लेटर्स लिखते हो, जब आप ड्राफ्टिंग करते हो, कैसे बात करोगे अपने क्लाइंट से जब आप सीएस बन जाओगे? क्या आप उनको कॉल करेंगे हमेशा? क्या आप उनको व्हाट्सएप करेंगे? क्या आप उनको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस लिखेंगे? नहीं, आप ईमेल्स की हेल्प से उनसे बात करते हैं। आप लेटर्स से उनको सेंड करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं दो सबसे फॉर्मल
मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हो सकते हैं, तो आप हमेशा किसी कोई भी पूछे तो आपको क्या रिप्लाई करना है, लेटर्स एंड ईमेल्स। ईमेल्स तो आप सबने भेजी होंगी अभी तक, ईमेल्स रिसीव भी किए हैं, सबकी जीमेल आईडी होगी यहाँ पे, जीमेल नहीं तो याहू होगी, है ना। ईमेल्स देखी आपने, ऊपर एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले किसको भेजना है, देन सब्जेक्ट, और आप इतना लंबा जो एक बॉक्स होता है उसमें आप अपना मैटर लिखते हैं, लास्ट में आप भेज रहे हैं तो अपना नाम, अपना फोन नंबर। अटैचमेंट का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई फाइल पीडीएफ और एनीथिंग यू वांट टू अटैच तो उसमें अटैच होके लास्ट में एक छोटा सा ऑप्शन होता है सेंड, वो बटन पे आपने क्लिक किया, चली गया ईमेल। विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका मैसेज दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाता है, दैट्स व्हाट यू कॉल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले के टाइम में लेटर्स होते थे, बट लेटर्स का ट्रेंड ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है बिजनेस वर्ल्ड में, डोमेस्टिक वर्ल्ड में इसका ट्रेंड खत्म हो गया। अभी हम अपने फ्रेंड्स को कभी लेटर्स भेजते हैं? नहीं। रिलेटिव्स को? नेवर। लेकिन बिजनेस में लोग एक दूसरे को लेटर्स पोस्ट करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मल मोड है कम्युनिकेट करने के लिए। पार्ट डी जो है, दैट्स बिजनेस टर्मिनोलॉजी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर, टर्मिनोलॉजी? सुना है आपने टर्मिनोलॉजी क्या होता है? नहीं सुना? ओके ये जो टर्मिनोलॉजी वर्ड है, टर्म वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। स्टार्टिंग में क्या लिखा है? TERM। टर्म वर्ड का मतलब होता है एक सिंगल वर्ड। जैसे टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ एक टर्म है, एक वर्ड है ना। तो यहाँ पे जो आपका लास्ट चैप्टर है, विच इज चैप्टर नंबर 8, बहुत सारे, आई थिंक अराउंड 1000 वर्ड्स आपको याद करने हैं। हम उसको याद नहीं करेंगे, हम उनको समझेंगे, दैट्स ऑल। और ये इतने अच्छे बिजनेस के वर्ड्स हैं, विच इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर योर फील्ड। आप लोग सीएस कर रहे हैं ना, आप लोग कमर्स से बिलोंग करते हैं, आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके प्रोफेशन में आगे काम आएंगे, वो आप सीखेंगे यहाँ पे। इनफैक्ट ये वर्ड्स अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी पढ़ लेता है ना, तो उनकी भी थोड़ी सी एडवांसमेंट हो जाएगी, माइंड डेवलप हो जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगी आपके माइंड में। तो टर्मिनोलॉजीज में आप बेसिकली डिक्शनरी खोल के देखिए, सबने एक वर्ड दिया होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन, वो ही आप करने वाले हो। 1000 से ऊपर वर्ड्स हैं, बट आई विल मेक श्योर डेली जब हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस चलेंगी, मैं आपको एटलीस्ट 10 वर्ड्स करवाऊं, ताकि लास्ट में हमें बर्डन फील ना हो। क्या है ना कि ये सब्जेक्ट जो आपका पेपर नंबर 1 है, लास्ट चैप्टर डाल दिया गया है बिजनेस टर्मिनोलॉजी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी मेंटालिटी है कि भैया ये लास्ट चैप्टर है, इसको छोड़ दो, इसको लास्ट में देखेंगे, वर्ड्स ही तो याद करने हैं सिर्फ। बट नहीं, मैक्सिमम पेपर आपका टर्मिनोलॉजीज में से आने वाला है, तो इसको भी हमें उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी पूरे सब्जेक्ट को दे रहे हैं। ओके ओके, अब ना मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने वाली हूँ, ABCD डिटेल्स में क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। ओके, पार्ट ए, मैंने क्या बोला था, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। तो एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, उसका छोटा सा एक ओवरव्यू आपके सामने है। तो द फर्स्ट वन इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि इंग्लिश में जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीख पाए, आपको आ जाए, तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, आपके माइंड में इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स जब फिट हो गए ना, तो आप ऑलरेडी छोटे से कंपनी सेक्रेटरी तो बन गए हो, बाकी सारे एग्जाम्स क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो बन जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है कंपनी सेक्रेटरी का, हमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आने चाहिए। क्या है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, आपके सामने एक दूसरा कंपनी सेक्रेटरी भी बैठा है, वो डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू यूज दोज वर्ड्स एंड यू आर नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, तो क्या होगा, इंप्रेशन डाउन। क्या करोगे, घड़ी घड़ी जाके गूगल करोगे बाहर जाके? यू कैन नॉट डू दैट। वॉट इफ आपके सामने आपके क्लाइंट्स बैठे हैं, उन्होंने आपसे सीएस का कुछ काम करवाना है, बोला कि सर सेक्शन 139 क्या होता है, थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा आप तो सीएस है ना, मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर सेक्शन याद नहीं है, मैं कल पढ़ता हूँ और कल आपके सामने थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो इंप्रेशन अच्छा है या गलत पड़ जाएगा? गलत पड़ जाएगा। तो हमें बहुत सारी चीजें याद भी करनी है, ठीक है।
तो वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होगी, यहीं से हमें हैबिट डालनी है चीजें याद करने की भी। आप सबने जैसे मुझे बोला आपका थियरी पार्ट स्ट्रांग है, तो यहां से आपको आदत लग जाएगी थियरी को पढ़ने की और उसमें इंडल्ज होने के लिए। सेकेंड आता है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम यहाँ पे चैप्टर 1, 2 और 3 में पढ़ने वाले हैं। ग्रामर ऑलरेडी क्या मुझे इसको भी इलैबोरेट करके बताना होगा, ग्रामर में क्या क्या आता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस का मतलब होता है जब बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्लब हो जाते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाना क्या है, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, क्या ये चीजें पढ़ने वाले हो? नहीं, इससे भी एडवांस चीजें पढ़ने वाले हो। यू गोना रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट में आता है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने नहीं आते थे, क्या आप लोग भी इस लास्ट में करते थे सॉल्व या पहले? सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिला, अनसीन पैसेज रीड करना स्टार्ट हो गए एंड सबसे पहले उसको सॉल्व कर दिया, क्या ऐसा करा आपने कभी या लास्ट में? स्टार्टिंग में, लास्ट में, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। ओके अनमोल, यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आप अनसीन पैसेजेस पेपर में सबसे पहले सॉल्व करते थे या सबसे बाद में सॉल्व करते थे? तो मैं सबसे पहले करती थी। रीजन क्या है इसका, आपका माइंड अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया है, लेट्स रीड इट क्विकली। बाद में माइंड थक जाएगा, यू नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर्स, फिर वही गलत से आंसर्स आप लिख कर आ जाएंगे जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेटेड है। ये सही तरीका नहीं होता अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का। आई एम गोना टेल यू द राइट वे, जिससे लाइफ में कभी भी अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस गलत नहीं होंगे। तो इसको भी हम इजी बना के पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, इसके भी पूरा टॉपिक आपका बना हुआ है सीएस में, ठीक है? तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने अभी आपके लिए कुछ ग्लिम्प्स रखा है, मेन जो मेजर चीजें आप पढ़ने वाले हो, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, जो कवर करता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। पार्ट ए में यही पढ़ना है आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। पार्ट बी, मैंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, कैसे करते हैं, जब दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसको हम कम्युनिकेट करना बोलते हैं, और जब बिजनेस के लोगों से बात कर रहे हैं उसको बिजनेस कम्युनिकेशन हम बोल देते हैं, राइट? अब इसमें डिटेल में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना रीड अबाउट 7 C's। 7 C's क्या होते हैं कम्युनिकेट करने के, ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि कंप्लीटनेस, मेरा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, जैसे कि क्लैरिटी, मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए। तीसरा सी क्या हो सकता है, कंसाइजनेस, यानी कि मेरा मैसेज ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है कि इतना लेंदी मैं आपको बताने बैठूं, तो मैं अपने वर्ड्स को थोड़ा शॉर्ट करूंगी और मैसेज सही समय में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे टोटल मिला के 7 C's हैं। हर एक वर्ड सी से स्टार्ट होता है तो बन गए 7 C's, यानी कि 7 principles ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें जो यहाँ पे रूम मिला है वो एकदम साउंड प्रूफ मुझे लग रहा है, बाहर का शोर अभी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है। बैरियर्स का मतलब प्रॉब्लम्स, हर्डल्स जो आपकी आती है। से सपोज अगर ये डोर हम खोल दें और बाहर का बहुत सारा शोर आने लग जाए, या कोई पर्सन यहाँ से मूव करता रहे अंदर और बाहर, तो वो एक बैरियर बन जाएगा, बिकॉज आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा उस पर्सन में और बाहर के शोर में। ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करके अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये सब हम सीखेंगे पार्ट बी में। इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो दिस इज आर पार्ट सी। थोड़ा सा डिटेल में इसको भी देखेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे मैंने बोला जितना भी ड्राफ्टिंग का काम होता है, लिखने का काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। आप लोग जब सीएस बन जाएंगे तो आपको लिख के बात करनी पड़ेगी, और लिखने के लिए पहले पार्ट ए में इंग्लिश तो सीख लिया आपने, सेंटेंस बनाने सीख लिए, ग्रामर सीख ली, क्या प्रॉब्लम आएगी?
नहीं, इनफैक्ट आपने वोकैबुलरी भी सीख ली, मींस माइंड में रेडी डिक्शनरी अवेलेबल है, तो सब तो सीख लिया। अभी क्या करना है, एक अच्छा सा क्राइटेरिया फॉलो करना है, आपको देखना है इसका क्या फॉर्मेट है, लेटर अगर लिखना है तो उसका क्या फॉर्मेट है, और फिट कर देना है अपने आइडियाज के साथ। दैट्स ऑल, हम इसको भी इजी बनाएंगे, ठीक है। लेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, वी हैव फॉर्मल लेटर्स एंड वी हैव इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आप हमेशा अपने बिजनेस के लोगों के साथ बात करने में यूज करेंगे, एंड इनफॉर्मल आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मदर, फादर, नियर्स एंड डियर्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर ईमेल। ईमेल कैसे लिखना है, तो हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब भी यह चैप्टर आएगा, आप लोग ईमेल सच में ड्राफ्ट करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे मेरी ईमेल आईडी पे, एंड आई एम गोना चेक इट कि आपने कैसे लिखा है। तो हम थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग सेशन बनाते रहेंगे डेली बेसिस पे। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर्स। ओके अनमोल, यू सेड आप अनसीन पैसेजेस लास्ट में करते थे, ओके अब ऐसा नहीं करेंगे, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले करना है। ओके बिजनेस लेटर्स जो हमारा पॉइंट टू है, ये कैसे ड्राफ्ट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, एक और चीज, आई थिंक आपसे मैंने या मनीक पहले भी बताई थी ये चीज, बिजनेस लेटर्स जो होते हैं ना, इसको लिखने का एक सही तरीका क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता, इवन इन दी एज ऑफ 40s and 50s। इफ यू आस्क इन योर फैमिली किसी से भी, मम्मी, पापा, ब्रदर, कुछ ना कुछ यू विल फाइंड मिस्टेक कि इन्होंने लेटर ठीक से नहीं लिखा, और अगर अच्छा लेटर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेटर लिखने का ना एक सही फॉर्मेट होता है, बहुत लोग मिक्स कर देते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में, लेकिन आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप तो कंपनी सेक्रेटरी बन गए, अगर आपने ड्राफ्टिंग सही नहीं की तो आपका आपका छोड़ो आपकी कंपनी का भी इंप्रेशन बिल्कुल डाउन। ओके, सो बिजनेस लेटर्स कैसे लिखने हैं हम ये सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट आता है ऑर्डर लेटर्स प्लस इंटर डिपार्टमेंटल लेटर्स। We have so many departments in our organization. Can you name any 2 or 3? Come on, fast. Yes. We have marketing department. We have sales department. We have purchase department. What else? We have accounts department. इतने सारे departments हैं, एक department दूसरे department से कैसे बात करेगा? क्या वो बार बार दूसरे department में visit करेगा? नहीं, emails भेजेंगे, हम letters भेजेंगे। ये एक फॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेट करना बिजनेस वर्ल्ड में, और यू कैन से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कमर्शियल वर्ल्ड में, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे और सही ड्राफ्टिंग कैसे होगी ये मैं आपको सिखाऊंगी। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आई हैव ऑलरेडी वर्क इन कंपनीज एंड फर्म्स बिफोर, अभी टोटली आई एम टू टीचिंग वर्क, तो आई विल टेल यू कि प्रैक्टिकल वर्क भी कैसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं कभी आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाऊंगी जहां पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिलेगी। ओके, यस, वी हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स जब आप लिख रहे हैं यानी कि ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बिजनेस लेटर को रीड कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है रीड करके, क्या उसको अपनापन फील हो रहा है, और ये कब फील होगा, जब आप बिजनेस लेटर लिखते हुए यू एटीट्यूड का यूज करेंगे। यू एटीट्यूड मतलब जब आप कुछ रीड कर रहे हैं और उसमें यू वर्ड बीच में आ गया तो आपको क्या लगेगा कि शायद ये आप ही के लिए लिखा गया है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है यू, एंड इफ यू आर रीडिंग आपको लगेगा बड़ा पर्सनल टच आ जाएगा आपको, राइट और रॉन्ग, एम आई राइट? यस। तो वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स जहां पे आपको पता चलेगा अगर यू एटीट्यूड करके आप यूज करते हैं तो वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एंड दिस विल बी द राइट अप्रोच फॉर राइटिंग एनी बिजनेस लेटर्स। लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। वी आर रियली हैप्पी दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर ऑफर। क्या आपको इसमें यू वर्ड दिखाई दिया? यस, यानी कि इस सेंटेंस में यू अप्रोच यूज किया गया है, और ये अगर कोई भी कस्टमर पढ़ेगा तो उसको बहुत पर्सनल टच आएगा और वो जुड़ जाएगा आपकी कंपनी से, आपके गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए क्विकली रेडी हो जाएगा, इमोशनल टच आ जाएगा ना उसको और एक पर्सनल टच आ जाएगा। ओके, कैन वी मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। वी इंश्योर दैट यू विल लाइक आर 20% और 30% डिस्काउंट स्कीम।
हमें अच्छा लग रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि डेफिनेटली हमारी कंपनी जो डिस्काउंट निकाल रही है, 20% डिस्काउंट निकाला है हमने, 30% काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है ये अगर प्राइस बढ़ा है तो ये आपको अच्छी लगेगी। यू वर्ड है क्या यहाँ पे कहीं पे भी? यस मीन्स यहाँ पे भी यू अप्रोच यूज किया गया है। थर्ड, वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू चोज अस। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें चूज किया और हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब हम जो कंपनी है हम इस पे आगे काम करेंगे। यू वर्ड दिखा? यस। तो ये तीनों सेंटेंसेस एकदम करेक्ट हैं। रीजन यहाँ पे यू अप्रोच का यूज किया गया है। और कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट अगर ये पढ़ेगा उसको पर्सनल टच फील होगा एंड ही विल श्योरली कॉन्ट्रैक्ट विद यू। अब नीचे आप जो देख रहे हैं, एक सेंटेंस गलत है और एक सेंटेंस करेक्ट है। नॉर्मल वे क्या होता है कोई भी बात बोलने का, आप देखना इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो कितना अच्छा बन जाएगा वो। इट्स जस्ट हाउ यू प्ले विद द लैंग्वेज। सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट, वी आर हैप्पी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑर्डर। हम बड़े खुश हैं कि आपने ये ऑर्डर हमें दे दिया, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। आप तो सिर्फ अपनी ही बात बता रहे हो, मीन्स आप हो गए सेल्फ सेंटर्ड। ऐसा नहीं है कि सच में हो गए, बट ये सही नहीं है। वाई? बिकॉज में यू अप्रोच इसमें नहीं है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं और यू वर्ड के साथ लिखूंगी, कैसे? अदर एटीट्यूड क्या हो सकता है? वी आर थैंकफुल दैट यू चोज आर कंपनी टू प्लेस योर ऑर्डर्स। यहाँ पे योर वर्ड भी है एंड यू वर्ड भी है, मीन्स उसी बात को जब आपने चेंज करके बोला, ऊपर वाले सेंटेंस पे चलते हैं। वी आर हैप्पी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑर्डर। हम बड़े खुश हैं आपने हमें ये ऑर्डर दे दिया, हम इस पे काम करेंगे अब। और इसी बात को दूसरे तरीके से हम कैसे बोलेंगे? वी आर थैंकफुल, हम बड़े खुश हैं, हम थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं दैट यू चोज आर कंपनी, कि आपने हमारी कंपनी चूज कर ली और हमें अपना ऑर्डर दे दिया। थोड़ा सा सेंटेंस आपने चेंज किया और परफेक्ट हो गया। अच्छा लगा ये? ठीक है, अभी चलते हैं बच्चे हम अपने पार्ट डी में, विच इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टर्म, TERM। टर्म वर्ड का मतलब एक सिंगल वर्ड। नीचे आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, लेट्स रीड इट। फर्स्ट, गुडविल, अलॉटमेंट, डाउनसाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एलिगेशंस। आप रीड कीजिए। ये वाला वर्ड क्या है? एपिलेंट। एंड लास्ट वर्ड, आर्बिट्रेज। कैसे बोलेंगे इसको? आर्बिट्रेज। यस। इनमें से कितने वर्ड्स के मतलब आप लोगों को आते हैं? गुडविल आता है हमें, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं। अलॉटमेंट, हम सबने शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो अलॉटमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। डाउन साइजिंग नहीं सुना है आपने? नहीं सुना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये तो सुना है, नॉर्मल वर्ड है, तो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एलिगेशंस सुना है, लीगल टर्म है ये एलिगेशन। नेक्स्ट आता है एपिलेंट, नहीं सुना। आर्बिट्रेज, नहीं सुना होगा। एम आई राइट? ओके, इट्स ओके अगर आपको इन वर्ड्स के, कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं आते हैं, तो यही तो करना है हमें चैप्टर नंबर 8 में, विच इज बिजनेस टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे हम 1000 से ऊपर वर्ड्स ऐसे पढ़ने वाले हैं, डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स हम करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बना के करेंगे, ताकि आज तो क्या आप फ्यूचर में कभी भी उसको याद रख सकते हैं। नॉर्मल डेज आपको पता है एक ह्यूमन बींग कितनी, एक बात को कब तक याद करके रख सकता है? 45 days। 45 days के बाद चीजें माइंड से ना फेड होना थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट्स ओके, हम चीजें अगर ब्रश अप करते रहेंगे, वी और अगर मैं अपनी भी बात करूं एज कंपनी सेक्रेटरी, हमें भी चीजें काफी ब्रश अप करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, वी ऑल्सो नीड टू ब्रश अप। बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं लॉ में आए दिन, वो हमें पढ़नी पड़ती है, वी हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम। तो आपको भी मैं इस प्रैक्टिस में डालना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको रिविजन, उसकी रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ अपडेशन भी आती है, वो भी आपको नोट करते रहना है, मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स के मतलब हम समझेंगे।
अभी मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के बारे में डिटेल में बताया। पार्ट ए में आपने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच गया। पार्ट बी में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन सीखा, यानी कि इंग्लिश सीख ली और बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ के आपने अपनी लर्निंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लिया। बिकॉज जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे आपको बहुत सारे सेक्शंस को याद करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्शन समझने पड़ते हैं। तो ये हैबिट कहाँ से पड़ेगी, जब अभी आप बिजनेस कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ के अपनी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे। पार्ट सी में हमने क्या पढ़ा, कॉरेस्पॉन्डेंस, हमने लिखना भी सीख लिया, लेटर्स ड्रॉ करने सीख लिया, मीन्स आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन विच इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। हमारे माइंड में एक रेडी वोकैबुलरी बन गई, बहुत सारे वर्ड्स भी हमें आते हैं। अब हमारी पर्सनैलिटी हो गई डेवलप। अब हम कहीं पे भी चले जाएं, हम कोई सेमिनार कंडक्ट कर लें, आप खुद पब्लिक स्पीकिंग करें, कुछ भी करें, आपको डर नहीं लगेगा। बिकॉज आपके माइंड में वर्ड्स भी हैं, इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश लिखनी आती है, याद करना भी आता है। यही तो चाहिए एक अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए, दैट्स ऑल। अच्छी पर्सनैलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छी पर्सनैलिटी में आप उठ कैसे रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, आप खाना कैसे खा रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं। बात कोई नॉर्मल तरीके से भी कर सकता है और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके भी बात कर सकता है। वो लाइट टोन में भी बात कर सकते हैं और लाउड टोन में भी बात कर सकते हैं। अच्छा किसका लगता है, पोलाइट। एक पर्सन बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है और एक सिर्फ हिंदी में बात कर रहा है या नॉर्मल इंग्लिश में बात कर रहा है, आपका ध्यान किसके तरफ जाएगा, जो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है। क्या हमें वैसा बनना है? यस, हमें भी बनना है वैसा। हम न्यूज़पेपर्स रीड करने की हैबिट डालने वाले हैं अभी, सबसे पहली चीज। हमारे घर में अगर न्यूज़पेपर्स नहीं आते तो मम्मी पापा को बोल के सबसे पहला काम कल से ही न्यूज़पेपर्स स्टार्ट करवाएंगे एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर इस स्टेज पे आप वो पढ़ने लगे। बट एनी वेज अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी अभी के लिए पढ़ते हैं, दैट्स ओके, ठीक है। और आगे आने वाले सेशंस में ये भी बताऊंगी कि न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ने बैठ जाना है, इतना भी हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमें सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी। और थोड़ी सी हैबिट डालने के लिए, पहले तो हैबिट डालेंगे न्यूज़पेपर रीड करने की। फोन में से अभी जो भी लोग पढ़ते हैं न्यूज़ बंद करेंगे अभी, क्योंकि हमें वहां पे सिर्फ हेडलाइंस मिल रही हैं, अंदर की डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चार ऑप्शंस में तो डिटेल्स आएंगी ना करंट अफेयर्स में, तो थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ना ही शुरू करेंगे। एक रीडिंग भी अगर आप दे दो ना न्यूज़पेपर को, दैट्स ओके, ठीक है। हम डिस्कस कर सकते हैं आगे आने वाली क्लास में कुछ करंट टॉपिक्स भी, जो भी चल रहे हैं न्यूज़ में। कल क्या न्यूज़ चल रही थी, कल की कोई न्यूज़? यस, कौन बना है प्रेसिडेंट कल, यस, ये करंट न्यूज़ थी जो हमें नहीं पता, ये पता होनी चाहिए, तो सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अभी क्या करने वाले हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का, हम कुछ 4 से 5 वर्ड्स आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो अनमोल, अभी हम टर्मिनोलॉजीज विच इज चैप्टर नंबर 8 कुछ टॉपिक्स इसके स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको पता चले कि इस सब्जेक्ट को हम इजी बना के कैसे पढ़ सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना के। देखिए, आप लोगों ने मैनेजमेंट वर्ड तो सुना ही होगा, वी हैव 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बताइए सबसे ऊपर की मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, लास्ट बॉय, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच का मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट के नीचे कौन लोग आते हैं, एम्प्लॉयज, फोरमेंस, वर्कर्स, ये बेसिकली हाथ का काम करते हैं या फिर जो भी इनको काम अलॉट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट क्या करती है, कंपनी को मैनेज करती है। आप लोगों से ना मैं एक छोटी सी स्टोरी आज डिस्कस करती हूँ। मैं ज्यादातर स्टोरीज बना के पढ़ाना पसंद करती हूँ, रीजन वो इंटरेस्टिंग लगती है प्लस लंबे समय तक याद रहती है। आपको पता है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे, यू कैन कॉल देम मेंबर्स, यू कैन कॉल देम ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में भी फर्क होता है, ठीक है, वो आगे आने हमारी जर्नी अभी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे हम सब आपको बताएंगे। तो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको थोड़ा आइडिया है कि इन मैनेजमेंट को अपॉइंट कौन करता है,
कौन सी मैनेजमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या काम करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा और इनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स. वी हैव सो मैनी शेयर होल्डर्स इन आर कंपनी. अलग अलग शहरों में स्प्रेड हुए हैं ये लोग. क्या इनके लिए पॉसिबल है डेली कंपनी में आना और कंपनी का काम हैंडल करना? नहीं, इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम टू कम एंड टेक द डिसीजंस एंड डू एवरीथिंग फॉर द कंपनी. तो अपनी सहूलियत के लिए, अपना काम इजी करने के लिए शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी में एक्चुअली काम करते हैं, मैनेज करते हैं और अपना क्या काम किया इसकी रिपोर्टिंग करते रहते हैं. जिन्होंने हमें अपॉइंट किया, किसने किया है? शेयर होल्डर्स ने. उनको हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे. शेयर होल्डर्स तो ओनर्स हैं, वो दे विल नॉट वर्क, दे विल अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली वर्क फॉर द कंपनी. सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अभी देखते हैं मैनेजमेंट भी क्या है. एनी एंटरप्राइज, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और एनी एंटिटी, कोई भी वर्ड आप डाल लीजिए, इन सभी एंटरप्राइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो लोग इंचार्ज होते हैं किस चीज के लिए, ऑफ रनिंग द बिजनेस, आर कॉल्ड मैनेजमेंट. एंटरप्राइज में, कंपनी में जो भी लोग इंचार्ज होते हैं बिजनेस रन करने के लिए, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, चला रहे हैं बिजनेस, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं हम. और इस मैनेजमेंट में आपके तीनों लेवल्स आ गए. अगेन लेट्स रिपीट, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्राइजेस मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इसी फर्स्ट पॉइंट पे वापस आ गए. इस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. कोई भी कंपनी हो, इस कंपनी में सारे लेवल्स को आप मैनेजमेंट बोलेंगे. प्लस मैनेजमेंट है कौन? जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं, जो इनका इंचार्ज है, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. इजी था, अभी आज के लिए इजी ही रख रहे हैं हम. ओके, अभी हम सेकेंड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे. एक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ के खत्म कर दी, इतना ही इजी था ये. नेक्स्ट आता है बेटा बिजनेस. इसको बिना पढ़े आप मुझे भी बताइए बिजनेस क्या होता है. आपके घर में कौन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है? ओके, दो लोग. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, यस, सुपरवाइजरी लेवल. वेरी नाइस विराट, आई सॉ योर आंसर, दैट्स ग्रेट. ओके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम बिजनेस बोलते हैं. अब आपका किस चीज का बिजनेस होगा? मशीन्स, इंडस्ट्री. मीन्स आप कुछ गुड्स देते हैं, सर्विसेज देते हैं. ड्राई फ्रूट्स मीन्स वो गुड्स हो गए, ठीक है. तो कोई भी गुड्स यानी कि सामान, कोई भी चीज या कोई भी सर्विसेज, सर्विसेज बेटा बहुत सारी होती हैं. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, वी हैव बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल मेरे सामने पड़ी है, ये बॉटल मैंने अगर आपको दी, इस बॉटल के बदले में आपने मुझे पैसे दे दिए, हमने कुछ चीज एक्सचेंज की पैसे के बदले में बॉटल, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस. बस इतना ही छोटा था, बुक में थोड़ा लंबा है, हमने शॉर्ट करके इसको बना दिया. अब ये बिजनेस कौन कौन से फील्ड में हम कर सकते हैं? वी कैन बिजनेस, वी कैन रन आवर बिजनेस इन कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस. इन सभी फील्ड में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं. कॉमर्स तो हम लोगों को पता ही है, हम कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं. ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग एंड सेलिंग मीन्स चीजों को खरीदना और बेचना, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री. जैसे कि आपने बोला कुछ इंडस्ट्रीज में आप बिलोंग करते हैं, कुछ कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो उसमें बिजनेस करते हैं. देखा, तो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है. इंडस्ट्रीज बहुत तरह की है, ये जैसे मैंने आपको बोला टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री, वी हैव रेलवे इंडस्ट्री. तो इन इंडस्ट्रीज में भी तो कुछ बिजनेस हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज में भी आपको बिजनेस मिलेगा. इनफैक्ट हमें हर जगह बिजनेस मिलता है. नेक्स्ट, फाइनेंस. फाइनेंस इज समथिंग रिलेटेड टू मनी. तो मनी से कुछ रिलेटेड है, कुछ काम हो रहा होगा, कोई चीज खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, मनी की हेल्प से वहां पे भी हम बिजनेस करते हैं. तो बिजनेस यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल दीज स्फीयर्स, और यू कैन से इन ऑल दीज फील्ड्स. इज इट क्लियर? तो सेकंड टर्मिनोलॉजी भी हमें क्लियर हो गई है. लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड वन. इनफैक्ट आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना, मैं वहीं पर पॉज करूंगी. लेकिन आपको डाउट खुद ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया होगा कि आपका डाउट है वो. आई कैन सी योर फेसेस, थोड़ा सा उसका देख के मुझे आइडिया लग जाएगा, बट अपने डाउट कभी छुपाना नहीं है.
तो इसमें मेरा लॉस नहीं है बिकॉज आपका लॉस होगा. नेक्स्ट वर्ड है मार्केटिंग. मार्केटिंग के लिए है हमारे पास न्यूमोनिक्स. न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? जितने भी वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट को जोड़ के आप कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड बना सकते हैं और वो लंबे टाइम तक आपको याद रहता है. क्या इसने आप लोगों में से कभी भी इस तरह से किसी ने पढ़ाई की है? की है, ठीक है. हमें हर सब्जेक्ट में इसको यूज नहीं करना है. प्रैक्टिकल्स में तो कभी यूज मत करना. ऐसा लगेगा आपने प्रैक्टिकल्स का रट्टा मारा है, ठीक है. इसमें भी हम रट्टा मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है. किसी भी चीज को हम क्रैमिंग तो हमें करनी ही नहीं है. ओके, मार्केटिंग इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. ये तीन वर्ड्स को हम मार्केटिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है मेरे सामने, मुझे ये पेन बेचना है मार्केट में, तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना. कैसे आपको पता चलेगा कि ये नया पेन मार्केट में आया है? तो मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग इस पेन को मार्केट में. पहले तो मैं प्रमोट करूंगी, एडवर्टीजमेंट्स निकालूंगी, पैम्फलेट्स छपवाऊंगी, जो भी मैं कर सकती हूँ बेस्ट पॉसिबल वो मैं करूंगी. नेक्स्ट सेलिंग. अब लोगों को पता चल गया, नाउ आई एम गोना सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस गुड टू यू. उसका एक रीजनेबल प्राइस मैं रख सकती हूँ ताकि मेरी जो गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ जाए. आपने सुना है ना लॉ ऑफ डिमांड? क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, जो प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर. इनवर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और डिमांड के बीच में. चलो ये तो हम इकोनॉमिक्स भी थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे. सो सेलिंग का मतलब कोई भी चीज अब मुझे बेचनी है, और जब मेरे पास सेल्स के ऑर्डर आ जाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी मुझे करके आना है. तो PSD इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. इसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं. किस चीज को आप प्रमोट करोगे? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. किस चीज को सेल करेंगे? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मार्केटिंग कोई पूछे ना, बोलना PSD. ही और शी विल गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट इज PSD? देन यू विल से प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस अनमोल, इट कैन बी वीट, इट कैन बी राइस, इट कैन बी एनीथिंग. कोई भी चीज की जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल PSD. क्लियर? ओके, थ्री मोर. प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट की एक छोटी सी डेफिनेशन भी थी, बट मैंने थोड़ा इजी बनाया आपके लिए. चार ऑप्शंस में वो बड़ी डेफिनेशन नहीं आएगी. इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एज वेल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस पता क्या है? खर्चा. रेवेन्यू क्या है? फायदे. आपकी सेल्स जो है वो आपके रेवेन्यू है. आपने कितने का बेचा मींस आपके पास जितने का बेचा उतनी आपकी इनकम है. 10 रुपए का बेचा अगर, तो 10 रुपए मेरी जेब में है, तो 10 रुपीज मेरा रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंसेस. ये पेन बनाने के लिए आपका खर्चा कितना आया वो माइनस कर दो, तो बचा क्या? प्रॉफिट. कितना मार्केट में बेचा माइनस आपकी कॉस्ट कितनी आई, दैट्स व्हाट यू कॉल प्रॉफिट. इजी था. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. टेलीकम्यूटिंग, जो हम सब कोरोना वायरस में करने लग गए थे. घर बैठ के कंप्यूटर पे क्लासेस लेना, काम करना. सबके ऑफिसेस क्या हो गए थे? वर्क फ्रॉम होम हो गया था सबका. इनफैक्ट आप लोगों का भी. तो उसी को बोलते हैं हम टेलीकम्यूटिंग, वर्किंग एट होम ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है. लेकिन अभी सब ओपन हो गया है. किस किसने एंजॉय किया कोरोना टाइम को? घर में बैठ के काम करना, कहीं नहीं जा सकते थे, बस एग्जाम्स भी अगर देने हैं तो घर पे बैठ के ऑन कंप्यूटर्स. इजी था वो? डिफिकल्ट था. एक टाइम पे मुश्किल हो गया. पहले तो लग रहा होगा अरे ये छुट्टियां आ गई इतनी सारी, बट ये कब खत्म होंगी? अब फिर वो आ गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है. एनीवेज, आई होप अब चीजें बेटर हो जाएं, बहुत और भी बेटर. अभी फिर भी कुछ आ रहे हैं हमारे पास केसेस. एनीवेज, वर्किंग एट होम ऑन कंप्यूटर्स इज व्हाट यू कॉल टेलीकम्यूटिंग. अभी आज का हम लास्ट टर्मिनोलॉजी करेंगे, विच इज डाउनसाइजिंग. याद है आपको, अभी अभी ये वर्ड आया था जब मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रही थी, तो एक डिफिकल्ट वर्ड भी आपके लिए डाला है, डाउनसाइजिंग. पहले हमें सही ढंग क्या होता है कोई भी पढ़ने का. डाउनसाइजिंग वर्ड है ना, मींस कोई चीज कम हो रही है, किसी चीज का साइज कम हो रहा है. ऐसे माइंड में ना थोड़ा सा अपना एक स्टोरी बनाया करो. अब क्या कम कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC Limited.
उसमें 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसमें 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे लगता है टाइम आ गया है कि मुझे अपनी एक्सपेंशन करनी है बिजनेस की, या फिर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है अपना। प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, मैं ओनर हूं, बट नहीं हो रहा है। इतने सारे एम्प्लॉयज जब काम कर रहे हैं, काम इतना हैवी नहीं, इतनी सैलरी देनी पड़ रही है, वो जहां बैठते हैं वहां का एसी यूज करते हैं, वो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, मेरी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मेरी स्टेशनरी यूज हो रही है, सो मेनी थिंग्स, कितना खर्चा है मेरा। 20 लोग अगर काम कर रहे हैं मेरे अंडर, तो अब मुझे अपना प्रॉफिट की सोचनी है। अगर ये प्रॉफिट के बारे में सोचना बेटा कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, कोई लॉजिक अगर आप लगाओ तो ये सेल्फिशनेस नहीं होती। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर मैं प्रॉफिट करने का सोचूं, मैंने देखा 20 लोग काम कर रहे हैं, तो डाउन साइजिंग करी जाए, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल है उनको रखूं, बाकियों को हटा दें। इसी को हम डाउन साइजिंग करते हैं, कहते हैं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, प्रॉफिट आपको बढ़ाना है, आपको और आगे लेके जाना है अपने बिजनेस को, तो जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको रखो, बाकियों की प्लान्ड रिडक्शन कर दो। ठीक है, तो डाउन साइजिंग मीन्स प्लान्ड रिडक्शन, सोच समझ के रिडक्शन करनी है आपको। किसकी? डाउन साइजिंग में एम्प्लॉयज की रिडक्शन करनी है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू मेक बिजनेस मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल। अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपने अपने एम्प्लॉयज की प्लान्ड रिडक्शन कर दी, ताकि आपका कॉस्ट भी कम हो, खर्चा भी कम आए, सैलरीज कम देनी पड़े, बिजली एसी सब कम यूज हो, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाए। दिस इज वॉट यू कॉल्ड डाउन साइजिंग। लेट्स नॉट मेक दिस क्लास टू मोनोटोनस फॉर यू। अभी आप 12th अभी अभी क्लियर करके आए हैं, अभी आपका नया नया रिजल्ट भी आया है, आप उसको एंजॉय कीजिए। अभी आज का सेशन ये वाली सेशन हम अब यहीं खत्म करेंगे।